सपा कार्यालय के सामने सिख समुदाय के लोग पहुंचे। खबर लखनऊ से है। सपा कार्यालय के सामने सिख समुदाय के लोग पहुंचे। सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस की पुस्तक लेकर पहुंचे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सभी लोग मुंह पर भगवा कपड़ा बांधकर पहुंचे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सिख समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी का कार्यालय के बाहर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। पुलिस ने सिख समुदाय को सपा पार्टी कार्यालय से हटाया। लखनऊ में समान नागरिक संहिता पर बनेगी रणनीति। खबर लखनऊ से है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएगा रणनीति। पांच फरवरी को नदवा कॉलेज में होगी बोर्ड बैठक। पूजा स्थल पर कानून की अनदेखी पर होगी चर्चा। सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सभी 51 सदस्यों को बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया है। खबर औरैया से है, जहां युवती के अपहरण से मचा हड़कंप। अपहरणकर्ताओं की गाड़ियां नियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। बड़ी खबर औरैया से सामने आ रही है। पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने अपहरणकर्ता को पकड़ा। औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधुना कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। मेरठ से है, जहां ब्याज खोरों ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को धमकाया। बड़ी खबर मेरठ से है। पति ने ब्याज खोरों से ले गए रखे ब्याज पर रुपए। ब्याज पर लिए गए पैसे न लौटाने पर धमकाया। खबर मेरठ से सामने आ रही है। महिला ने मारपीट और तोड़फोड़ करने का लगाया आरोप। महिला को धमकाते हुए ब्याजखोर सीसीटीवी में हुए कैद। सीसीटीवी में कैद हुए ब्याजखोर महिला को धमकाते हुए महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।